Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number two four one, and we are going to talk about sharing decisions with others. Your role as a leader. Remember that your role as a leader is very important. You have to take care of your followers. You have to take care of the problem which you have to solve. You have to come up with creativity and innovation. In this purpose, remember that your role as a leader.

उनको इस बात पर आमादा करने के लिए भी आपका रोल आएगा कि दे हैव टू वर्क हार्ड दे हैव टू वर्क स्मार्ट दे हैव टू अचीव द टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव और उनको उन टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव में बताना पड़ेगा कि व्हाट्स इन इट फॉर देम देअर फॉर योर रोल एज अ लीडर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द फॉलोअर्स जो आपको फॉलो कर रहे हैं द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ओन लीडरशिप क्वालिटीज आपकी ह्यूमिलिटी आपकी वेल आपकी विजन आपका ये तमाम तर चीज़ें वहां पर करामद होंगी आप कितने एथिकल हो आप कितने ऑथेंटिक हो आपके पास कौन कौन से परस्पेक्टिव हैं जिनके साथ आप लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट में अपने फॉलोअर्स को वो लेकर चल रहे हो दीज आर ऑल द कंसर्न जिसके ऊपर फोकस रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है सो so, दो बातें हो गई वन इज द ग्रुप ऑफ लीड पीपल जिनको आपने लीड करना है And the second thing is your own leadership context, your own leadership qualities, your own total leadership perspective. That you, 360-degree how you interact with your stakeholders. And at the same time, how you are supposed to balance the equity, how you are supposed to balance the relationships, expectations, and priorities. The third thing, which is very important, is basically the situation. वो कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट्स वो तमाम तर सूरत हाल जिसमें आप वहां पर ऑपरेट कर रहे हो सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम यू हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम अलबोरेट द प्रॉब्लम डिफाइन द प्रॉब्लम सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट वट इज द मेन एजेंडा अपॉन विच दे आर देयर टू वर्क ऑन सो तीन बातें हमारे सामने आ गई विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप रोल द फॉलोअर्स द लीडर हिमर हर सेल्फ एंड ऑब्वियसली सिचुएशन सेकेंडली याद रखिएगा कि योर रोल एज अ लीडर में हमारे पास अब जब आपने उसको एक्शन प्लान में लेकर आना है आपने एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाना है तो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू फोकस अपॉन द फर्स्ट इज टीम मेंटेनेंस नीड कि टीम के अंदर एक कोऑपरेशन एक कोहेसिवनेस एक सिंक्रोनाइजेशन एक पैटर्नाइजेशन एक सिनर्जी वो क्रिएट रहे बिकॉज जब तक टीम मेंटेन नहीं होगी उस वक्त तक आपके लिए डायरेक्शन की तरफ डेवलप करना पाए तकमील तक अपने काम को पहुंचाना वो डिफिकल्ट होगा सेकेंडली आपको यह देखना है कि जरूरत किस अमर की है वट इज द इंपॉर्टेंट टास्क वट इज दरारकी ऑफ प्रायोरिटी इन दैट पर्टिकुलर टास्क सिक्वेंस सो उस टास्क में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं और उन तमाम को आप एड्रेस कैसे करोगे सो वट कैन बी दपोजिडली टी डी आरस आपके उस तमाम टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर ड्यूटीज के अंदर क्या क्या कुछ शामिल है और उसको आप कैसे पाए तकमील तक वो पहुंचाओगे और इसके साथ साथ याद रखिएगा एक बहुत अहम चीज है हर एक इंडिविजुअल जो आपके अंडर काम कर रहे हैं आपके टीम में काम कर रहे हैं उन सबकी इनफरादी जरूरतें so, हर शख्स एक डिफरेंट पर्सनैलिटी का मालिक है हर शख्स का इमोशनल परसपेक्टिव डिफरेंट है हर शख्स की नीड्स एंड वांट्स डिफरेंट है सो so आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि उन इंडिविजुअल नीड्स को भी आप कैसे एड्रेस करोगे डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि एक लीडर के लिए उसके फॉलोअर्स सिचुएशन जिसमें वो मूव कर रहा है उसकी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज उस टीम को कैसे मेंटेन करना है इन तमाम बातों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है और तभी हम बेहतर तौर अपने नतज हासिल वो कर सकेंगे थैंक यू